हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछला जो क्लास 10 का वीडियो आपके पास गया होगा, फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसका पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक यंग सीगल के बारे में दैट अफ्रेट्स टू फ्लाई इट्स फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहली उड़ान भरने में जो है वो काफ़ी उसे डर लगता है, बट एनी हाउ ही मैनेज टू डू दैट। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पर हम लोग डिस्कशन करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। वाई वॉज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सी गर्ल उड़ने से क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दियर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? क्या आपको लगता है कि जितने भी छोटी जो चिड़ियाँ होती है वो अपना पहला उड़ान भरने में उसे काफ़ी डर लगता है, और या कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो कि दूसरे बर्ड्स की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको लगता है कि मनुष्य का बच्चा यानी कि छोटा जब एक बेबी होता है तो उसे भी अपना पहला स्टेप चलने में डर लगता होगा? यस, आइए देखें, लेट सी द आंसर। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल उड़ने से डर इसलिए रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, और उसे इस बात का डर लग रहा था कि जब मैं उड़ान भरूंगा तो क्या होगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा और मुझे चोट आ जाएगी। अक्सर बच्चे या कोई भी, इट कुड बी एनी एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी चिड़िया हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग, उसे ऐसा लगता है कि उसके पंख जो है उड़ते समय उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही माइट बी फॉल डाउन। यस, इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। हाँ, यह नेचुरल है कि जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो आपको आपके मन में झिझक रहती है, आपके मन में डर रहता है कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट? नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक दियर फर्स्ट फ्लाइट। जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में उन्हें डर लगता है। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग वेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। इसी तरह से जब मनुष्य का जब कोई बेबी होता है, बच्चा होता है, तो उसे भी अपनी पहला स्टेप चलने में उसे काफ़ी डर लगता है कि कहीं मेरा पैर सपोर्ट करेगा या नहीं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना आ जाए। एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, और जब वो बिना किसी सपोर्ट के जब वो खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे यह एक चैलेंजिंग काम हो, राइट? सो दिस वॉज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यानी कि भोजन जो उसके माता पिता जो कर रहे थे और उसकी माँ एक फ़िश का स्क्रैप लेकर के वो उसकी ओर बढ़ती है, तो यह दृश्य देख करके वो मतलब पागलों की भांति करने लगता है। वट डज़ ही सजेस्ट, आखिर यह किस चीज़ को सजेस्ट करता है? वट कंपेल्ड द यंग सी गर्ल टू फाइनली फ्लाई, आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो उसे प्रोवोक करता है कि तुम अपना पहला उड़ान भरो? लेट सी। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वह यंग सीगल काफ़ी भूखा था। इट वॉज हिज हंगर दैट प्रोवोक्ड इट टू फ्लाई, यह आखिर उसकी भूख थी जिसने उसे प्रोवोक किया कि तुम उड़ान भरो। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड वेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जब उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वह अपनी माँ को अपनी माँ के पैरों के पास एक मछली का टुकड़ा, एक फूड
पाता है, देखता है। इट क्राइड टू हर, बेगिंग हर टू गेट सम फूड। वह अपनी माँ को आवाज़ देता है, जैसे छोटे बच्चे कैसे अपनी माँ को मम्मी मम्मी भूख लगी है कुछ खाने को दो, उसी तरह से यह भी अपनी माँ की ओर चिल्ला करके कहता है, उससे कहता है कि माँ मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and joy, यहाँ double end है, joy and anticipation। जब वह अपनी माँ को भोजन का टुकड़ा scrap of fish अपनी चोंच में दबाए हुए अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो और भी आतुर हो जाता है। However, शी stopped midway। लेकिन उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ उसे एक सबक सिखाने के लिए, एक उड़ना सिखाने के लिए, या डर पर कैसे काबू पाना चाहिए, डर पर काबू पाने के लिए वो बीच रास्ते में ही रुक जाती है। इट wondered why she did not came nearer। अब उस यंग सीगल को ऐसा लगने लगता है कि आखिर उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। Not being able to resist hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak। चूँकि पिछले 24 घंटों से वो एकदम बिल्कुल भूखा था, कुछ नहीं खाया था, यह भूख उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वह अपनी माँ की ओर जो है छलांग लगा देता है, डाइव लगा देता है हवाओं में। At the moment, his hunger overpowered his fear or the great expanse of sea beneath the cliff। अब उस क्षण क्या होता है, उस क्षण उसकी जो भूख होती है उसके डर से जो है आगे निकल जाती है, यानी कि उसके डर से ज़्यादा अब उसे भूख से जो है डर लगने लगता है और वह बिना किसी सोचे समझे जो है वो अपनी माँ की ओर छलांग लगा देता है। या जो उस क्लिफ के नीचे जिस पर वो बैठा हुआ था, जो उस क्लिफ के नीचे जो बड़ा सा वास्ट एक्सपेंस जो होता है सी का, समुद्र का, उसकी ओर देख करके उसका डर जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाई द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी। और जब आप कहीं किसी चीज़ पर छलांग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका बॉडी तो फॉलो करेगा ही, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंड विद द यंग सीगल इन द स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। They were beckoning to him, calling shrilly। वे लोग उस यंग सीगल को श्रिली कहकर बुला रहे थे, डरपोक कोवार्ड, तरह तरह की बातें कह रहे थे, डांट फटकार रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? आखिर उस यंग सीगल के फादर ने और मदर ने उसे धमकी क्यों दिया कि तुम भूखे मर जाओगे, ठीक है। आइए देखें। Seagull's parents had tried every possible way, but he was reluctant to fly due to fear of falling down। Seagull के parents ने उसे उड़ने के लिए कहा, उसे उड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन उसे अभी भी मन में डर था कि कहीं वो नीचे गिर जाए और कहीं उसे चोट न लगे, तो इस चीज़ के कारण वो नहीं उड़ पाता है। He looked at his brothers and sister, but wouldn't make any efforts। वो अपने भाई बहनों की ओर देखता है लेकिन उड़ने का कोई प्रयास नहीं करता है। That's why the whole family had left him alone and threatened him to come, but every effort went in vain। इसीलिए उसका पूरा परिवार उसे पीछे छोड़कर, अकेला छोड़कर चला जाता है और यह धमकी देते हुए कि तुम भूखे मर जाओगे, तुम तो डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, इस तरह से डांटते फटकारते हुए चले जाते हैं और उनका सारा जो प्रयास होता है कि यह भी उड़ना सीख जाए, ठीक है, यह भी बर्बाद चला जाता है, पानी में चला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई सपोज यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। तो सो हाउ डिड यू फील दिस अबाउट दिस वीडियो, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो है शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।